स्वाध्याय 2.2 का दाखला नंबर 4 क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक शहर में रहता बाळकोनी गणित अने तर्क विद्यानी क्षमता वच्चेनो संबंध मेळवा एक शैक्षणिक संस्था जुदी जुदी शाळामांथी पसंद करेला 6 बाळकोने गणित अने तर्क विद्या आधारित 20 कोयडा उकेलवा माटे आपे छे। ते बाळको द्वारा साचा उकेल मेळव्या होय तेवा कोयडानी संख्या नीचे आपेली छे। अमे आपे गणित का दिया है कोयडानी संख्या और तर्क विद्या का दिया है। तो पहला एक्स हो गया, दूसरा वाई हो गया। 12, 8, 9, 10, 8, 11 एक्स है, वाई में क्या 11, 10, 4, 7, 13, 16। तो एक्स में हमारो 12, 8, 9, 10, 8, 11 दिया है, वाई में दिया 11, 10, 4, 7, 13, 16। आ माहिती परथी बाळकोनी बन्ने प्रकारना कोयडा उकेलवानी क्षमता वच्चे सहशब्दांक शोधो। हमारे सहशब्दांक आ ढूंढने गए, हमने इंट्रो लेक्चर में देखा था कि एक्स और वाई के अवलोकन, एक्स और वाई की संख्या 1 से 40 के बीच में है। पहले चेक करो, 12, 8, 9, 10, 8, 11, 11, 10, 4, 7, 13, 16 ये सब 1 से 40 के बीच में है। तो पहली मेथड का इस्तेमाल करने का एक्स वाई वाली मेथड, बाकी भी मेथड सोचने की नहीं, क्योंकि एक्स और वाई की संख्या 1 से 40 के बीच में। अगर 1 से 40 के बीच में नहीं होती तो हम मध्यक ढूंढते, मध्यक का आंसर अगर पॉइंट में आता तो यूवी मेथड, पॉइंट में नहीं आएगा तो एक्स माइनस एक्स बार मेथड पर। लेकिन ये आंसर हम यहाँ पे मध्यक चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा आंसर हमारा एक्स और वाई के अवलोकन 1 से 40 के बीच में है। तो पहली मेथड एक्स वाई वाली मेथड का इस्तेमाल होगा। अब एक्स का टोटल करेंगे, सिग्मा एक्स कितना मिलेगा 58, वाई का टोटल करेंगे सिग्मा वाई कितना मिलेगा 61। 12, 8, 9, 10, 8, 11 का सरवाला 58, 11, 10, 4, 7, 13, 16 का सरवाला 61। अब कोष्टक हमारा कैसे बनता है, एक्स और वाई का गुणाकर करेंगे, फिर एक्स का वर्ग, फिर वाई का वर्ग। एक्स और वाई का गुणाकर 12 का गुणाकर 11 से 132, 8 का गुणाकर 10 से 80, 9 का गुणाकर 4 से 36, 10 का गुणाकर 7 से 70, 8 का गुणाकर 13 से 104, 11 का गुणाकर 16 से 176। ये सबका टोटल करेंगे तो सिग्मा एक्स वाई कितना मिलेगा 598। फिर एक्स का वर्ग, 12 का वर्ग 144, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, 11 का वर्ग 121। ये सबका टोटल करेंगे 144, 81, 100, 64, 121। तो सिग्मा एक्स का वर्ग कितना मिलेगा 574। इसी तरह वाई का वर्ग, 11 का वर्ग 121, 10 का वर्ग 100, 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49, 13 का वर्ग 179, 16 का वर्ग 256। ये सबका टोटल करेंगे तो सिग्मा वाई स्क्वायर कितना मिलता है 711। 121, 100, 16, 49, 179, 256 सबका सरवाला अगर हमारा आंसर कितना है 711। ऐसे हमारा कोष्टक बनेगा। अब कोष्टक में जो भी कीमत मिली वो सूत्र के अंदर रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। सूत्र लेंगे, सूत्र क्या, आर बराबर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, भागाकार में फिर वर्गमूल करेंगे एन सिग्मा एक्स का वर्ग माइनस सिग्मा एक्स पूरा काउंस का वर्ग, फिर दूसरे वर्गमूल में एन सिग्मा वाई का वर्ग माइनस सिग्मा वाई पूरा काउंस नो वर्ग। एन हमारे पास 6 है, सिग्मा एक्स वाई कितना मिला हमारे को 598, यहाँ लिख लेंगे हम। सिग्मा एक्स कितना है 58, तो 58 लिखेंगे। सिग्मा वाई कितना है 61, 61 लिखेंगे। फिर वर्गमूल में एन कितना है 6, सिग्मा एक्स का वर्ग कितना मिला 574, यहाँ पे रख देंगे हम। सिग्मा एक्स पूरे काउंस का वर्ग, सिग्मा एक्स कितना 58 का वर्ग करेंगे। एन कितना है हमारे पास 6, सिग्मा वाई का वर्ग, सिग्मा वाई का वर्ग कितना 711, सिग्मा वाई पूरे काउंस का वर्ग, तो 61 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे। 6 का गुणाकर 598 से तो कितना है 35, 88। 58 का गुणाकर 61 से तो कितना है 35, 38। 6 का गुणाकर 574 से कितना आएगा 34, 44। 58 का वर्ग कितना आएगा 33, 64। 6 का गुणाकर 711 से तो 42, 66। 61 का वर्ग कितना आएगा 37, 21। 35, 88 में से 35, 38 माइनस करेंगे तो आंसर कितना है 50 आएगा। 34, 44 में 33, 64 माइनस करेंगे तो आंसर कितना है 80 आएगा। 42, 66 में 37, 21 माइनस करेंगे तो आंसर कितना है 542 आएगा। ये 50 का 50, 80 का गुणाकर 542 से करेंगे 43,600 आएगा। 43,600 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आंसर आएगा 208.81। 50 का भाग अगर हम 208.81 से करेंगे तो हमारा आंसर कितना है 0.24। 50/200 तो आंसर कितना है 0.24। जो हमारा आंसर आर का सहशब्दांक का है वो -1 से लेके +1 के बीच में, तो हमारा आंसर राइट है।